नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जब वो बोलता है तो उसकी बेबाकपन और बेधड़क से ये पूरा वसई विरार उसे सुनता जरूर है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को मेडिकल क्षेत्र में इस प्रकार स्थापित किया कि उसके काम से उसको लोग जानते हैं। मेडिकल जितने भी यहाँ वसई विरार और आसपास के क्षेत्रों में हैं उनके वे अध्यक्ष हैं, उस संगठन के अध्यक्ष हैं। और उसके साथ में इन्होंने राजनीतिक कभी भी ऐसी यात्रा नहीं की जिसमें इन्होंने अपने आप को नेता बताया हो, लेकिन समाज है और समाज तो अलग अलग शब्दों से प्रयोग तो करेगा ही। समाज सेवी कहते हैं, कई लोग नेता कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये दल में क्यों नहीं जाते। नेताजी लपेटे में के इस पहले कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं दिगंबर दीपंकर पाटिल और बॉबी शेठ लोग कहते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं इनके बेबाक बेधड़क और आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर कुछ सवाल इनसे सीधे तौर पे करते हैं। दीपंकर पाटिल बॉबी शेठ से नमस्कार। पहला सवाल मेरा आपसे कि राजनीति और आप, इससे पहले भी मैं आपका इंटरव्यू कर चुका हूँ, उसमें भी आपसे सवाल किया था, लेकिन ये सवाल इसलिए फिर से कर रहा हूँ कि हो सकता है मन बदला हो, वातावरण बदला है, कोरोना का माहौल था, हो सकता है कि आपके मन में आ गया हो कि आप समाज सेवा के साथ कोई दल पकड़ लें। अब आया कि नहीं कोई दल? नहीं, कोई नज़र में नहीं। बहुजन विकास अघाड़ी घर की पार्टी है आपकी, तो घर की पार्टी घर में रहे, घर के रिलेशन है, पार्टी राजनीति से क्या संबंध? महानगर पालिका का चुनाव नज़दीक, महानगर पालिका में मैंने पहले भी बोला था, मेरे लोगों को जो इन्हें जिसको मैंने वचन दिया है, कोई शब्द दिया है, उनके रास्ते नहीं बनते। 3,500 लोग वस्ती है, उनको पिछले 6 साल से उनका जो चालू रास्ता था वो बंद करके रखा है कुछ बिल्डर लॉबी ने। पहले उनका रास्ता था, उसको नाला बनाया, उसके रास्ते से नाला बनाया, वापस बनाने का दिया फुलपाड़ा गांधी चौक में। वो रास्ता अगर नहीं बनता है तो मुझे कोई जरूरत नहीं बहुजन विकास अघाड़ी को साथ देने। आपको कौन लगता है कौन से बिल्डर हो सकते हैं उसमें? वही जो गांधी चौक बोल रहे हैं वहां पे तो एक मोनोपोली है, वही बिल्डर बांध रहे। वो बिल्डर किसके संरक्षण में जो आपकी बात नहीं मान रहे? बहुजन विकास अघाड़ी के संरक्षण में है। बहुजन विकास अघाड़ी के लिए तो आपने चुनाव के दौरान जिस तरह से पूरी तरह उतर चुके थे मैदान में एक सेलिब्रिटी की तरह, और आपके उतरने के बाद एक माहौल बन गया था कि अब पूरी तरह से ताकत दिखने लगी है, वो ताकत दिखाने वाले व्यक्ति की बात नहीं मानी जा रही? खतरनाक। मेरी बात मैं एक बार बोलता हूँ, 10 बार भीख मांगने को नहीं जाता किसी के पास। मैं वो रास्ता बनाऊंगा, खुद के खर्चे से बनाऊंगा, जो केस होगा क्या होगा मैं खुद देखूंगा, वो बना के रहूंगा मैं रास्ता। 3,500-4,000 लोग जिसके पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है, जो पहले उनका रास्ता था, नगर पालिका ने कबूल किया था कि हम वापस बना के देंगे, वो बना के नहीं दे रहे। अब मैं क्यों भीख मांगू? बहुजन विकास आघाड़ी मेरे पास भीख मांगने को आई थी कि मैदान में उतर, अब जरूरत है। अब उनको 5 साल मिल गए तो ये भूलना नहीं है कि हर साल एक इलेक्शन है, भले वो पंचायत का रहे, नगर पालिका का रहे, जिला परिषद का रहे, हर साल उनको इलेक्शन को सामने जाना पड़ता है। क्या आपको लगता नहीं ये रिश्ते जो पारिवारिक थे, मजबूत थे, राजनीति में उतरने के बाद में आपने बहुजन विकास अघाड़ी और मैं क्यों गिन रहा हूँ? वो तो मन से भी देखो और शिवसेना भी देखो, उधर भी दो भाई झगड़ रहे, उनके पास नहीं जाए आप? नहीं, सवाल सबसे होता है आपसे तो होगा ना। हाँ, तो ये हमारा जगह घर में हम एक है, जड़ एक। लेकिन अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो लगता नहीं है खतरनाक है? अगर घर के लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, आपके अपनों की बात नहीं मानी जाएगी, तो समाज में तो कई लोग हैं, उनकी बात कैसे मानी जाएगी? किसकी मानी गई है वो बताओ। 4 लोग मेरे को, कोई भी पक्ष रहने दो, कांग्रेस रहने दो, कोई भी पक्ष रहने दो, किसने जनता की आवाज इलेक्शन के बाद सुनी? मैंने पहले इलेक्शन में बोला था उनके वादे छोड़ दो, वो राजनीतिक है, मैंने वादा किया है। राजनीतिक वादा करके भूल जाता है, हर पार्टी भूल जाती है, मैंने पहले भी कहा था, ये भी आज भी कह रहा हूँ कि ये भी भूल गए। माने कि चुनाव के दौरान आप पार्टी बदल सकते हैं? पार्टी की मैं कौन से पार्टी में हूँ? पार्टी को अलग समर्थन करूंगा, अलग पार्टी को सपोर्ट करूंगा और उसके लिए मेरा काम चालू है। क्या माने कि फिर से शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, इनमें से कोई पार्टी, राष्ट्रवादी? क्यों बड़ी पार्टी? वो जगह पे मैं किसी आम आदमी को अपक्ष खड़ा करूं तो भी चुन के आए। पहले भी आपने एक हैट्रिक मारी है आम आदमी पार्टी बोलकर। आम आदमी का खड़ा करूंगा जिसकी इधर कोई शाखा नहीं है, ना कोई ब्रांच है, ना कोई ऑफिस है, उसके पार्टी के हिसाब से इधर एक आदमी खड़ा करूंगा। ये सिर्फ इसलिए कि अगर बात नहीं मानी गई
तो दीपंकर पाटिल अपने तरीके से काम करेगा। अच्छा, आपके आपके पास जब जब कोई बात करता है तो लगता है कि आपकी अपनी सरकार, आपका अपना लोकतंत्र, आपकी अपनी भाषा, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ये सवाल आप राज ठाकरे जी से कीजिए, बाला साहेब ठाकरे जी से पूछिए। हम लोग तो चुनाव नहीं लड़ते, हम लोग लोगों की सेवा के लिए काम करते, तो तड़प दिल में लगती है कि मैं बिना स्वार्थ, बिना टिकट, बिना कुछ, मेरे दोस्त को किधर जॉब पे लगा के, बिना कुछ मतलब के मैंने आपको सपोर्ट किया। और आपको एक बार, दो बार, मैंने तीन तीन बार मीटिंग की है, अगर आप वो काम पे ध्यान नहीं दे रहे तो वापस तो मुझे मेरा काम करना है, जबकि मैं कोई टिकट नहीं ले रहा हूँ, मुझे पास कोई फंडिंग नहीं आ रही है, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है, मैं मेरे हिसाब से काम कर रहा हूँ। आपके काम करने का जो तरीका है, आपको टिकट नहीं मिली, फंडिंग नहीं मिला या किसी पार्टी में नहीं, वो अलग है। मुझे टिकट नहीं मिले, मांगता आप चाहते भी नहीं है, आप चाहते भी नहीं शायद, आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन ठीक है, आपके काम करने में आप लोकतंत्र को, कानून को, कई बार तो आप अपना फैसला अटल बताकर वहीं स्टॉप कर देते हैं, ऐसा क्यों? देखो, दुनिया को दिखाने के लिए अन्ना हजारे साहब ने कितने उपोषण किए, वैसे मैं उपोषण पे बैठता नहीं, मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं भगत सिंह हूँ, भगत सिंह का फैन हूँ, मैं एक्शन लेना जानता हूँ। आपके पास तो मार पिटाई सब करूँगा, सब करूँगा। आप तो बात कम करते हैं, मारते ज्यादा हैं। ऐसा कौन बोला? मार खाने वाले को बुलाओ। आपने कहा सब करते हैं। सब करता हूँ, अगर बच्चा नहीं माने तो झापड़ मारना ही है। ऐसा क्यों मानते हैं कि मार पिटाई से अहिंसावादी बात? तो अहिंसावादी चरका लेके बॉर्डर पे मिलिट्री को बिठाओ ना, पाकिस्तान रुक जाएगा, चाइना रुक जाएगा, चरखे से काम हो जाएगा। हम अहिंसावादी है, गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, तो उनका आदर्श रखिए, मिलिट्री वाले से बंदूकें छीन लीजिए, चरखा दीजिए उनके हाथ में। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। तो मैं अंदर की मिलिट्री हूँ, बॉर्डर पे आप अशांति की बात करोगे? आपको डर नहीं लगता है सब करने में? क्या करेंगे, क्या करेंगे, लोकतांत्रिक देश है ये, लोकतंत्र और प्रजातंत्र से चलता है देश। हाँ, तो लोकतंत्र से ही मैं चल रहा हूँ, जज भी तो फांसी देता ही है ना, लोकतंत्र से उसके गले को तकलीफ होती है वो नहीं देखता, वो वहाँ भी फांसी, संविधान में फांसी का भी प्रावधान है, जब एकदम हद से बाहर निकल जाए आदमी तो उसको समाज में रहने के लायक नहीं है। मैं थोड़ा किसी का मर्डर कर रहा हूँ, एक दो झापड़ मारा तो काम से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, लोग समझ जाते कि इसने गलत, ये उनका इनका सोचना है। नहीं तो आप मेरे नाम से डरते थे तो आप दोबारा नहीं आते थे। नहीं, मेरा तो वही कि मैं जब भी इंटरव्यू करने आता तो पहले मैं पूछ लेता हूँ सुरक्षित जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हाँ, तो जग गए थे ना पहले भी, पहली बार, अभी भी बैठे हो साथ में, कैमरामैन मेरे हाथ में है, अभी मेरे मर्जी से आप दोनों तो जा नहीं सकते, तो भी मैं क्या कर रहा हूँ कि जिससे मेरे को डर, लोग डर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो 50 लोग आते हैं न्याय मांगने के लिए। तो हम ये माने कि इस चुनाव में न्याय प्रणाली जो आपका चल रहा है ठीक है, आप चुनाव नहीं लड़ते, आपके पास पार्टी नहीं है, आप किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन आपके पास आने वाला कोई दल बाकी नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी वाला आपके पास आपके मित्र अच्छे हैं, शिवसेना में आपके मित्र अच्छे हैं, आगरी सेना के जनार्दन पाटिल जिला अध्यक्ष आपके अच्छे मित्र, भाई है मेरा, अच्छे मित्र हैं आपके, भाई हैं आपके, सारे लोग आपके साथ, कुछ लोग काफ़ी आपसे नाराज भी रहते हैं। हाँ, तो वो आए, नाराज क्यों है मुझसे बतावे, आप कैमरा लेके बैठो, उनको सामने बिठाओ, क्या भाई नाराजी है तुम्हें? वो बोलते नहीं है आपके सामने। तो आपके सामने, कैमरे के सामने मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, वो नहीं झूठ बोलेंगे, कैमरे के सामने भी नहीं आते। हाँ, तो फिर तो मेरी क्या गलती है? आप कोई एक उदाहरण दे दो तो उसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि उसने क्या किया। कई लोगों का कहना है जो इनलीगल होता है बिल्डिंग्स बनती है उसमें अगर बॉबी सेठ ने कह दिया कि तुम यहाँ से पीछे हटो तो वो हट ही जाता है, उसकी हिम्मत नहीं कि आगे आ जाए। कौन से इलीगल काम वाले मेरे से सपोर्ट नहीं लेते, ये तो खतरनाक बात है ना। हाँ, तो उनका फाइल नहीं पास हो रहा है, उनको बांधने नहीं दे रहे, उनको हर कोई नगर सेवक, वार्ड प्रमुख, कोई ना कोई शाखा प्रमुख, शिवसेना का रहे, कोई भी रहे, आरटीआई वाला रहे, परेशान करता है। तो वो लोग आते मेरे पीछे, वो लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये आदमी तो आरटीआई वाले ने क्या कम परेशान करके रखा है, और आरटीआई वाला एक फाइल डालता है, आरटीआई डालता है, तो उसका फॉलोअप क्यों नहीं करता, बीच में क्यों रुक जाता है? जिसने जिसने आरटीआई डाला उसने फॉलोअप किया और वो बिल्डिंग टूटी, वो जगह खाली की, ऐसी मेरे को एक जगह बताओ। बीच में ये आरटीआई वाले सेटलमेंट कर देते,
उनको उनका जेब भर गया कि खत्म हो गई बात। तो ये आरटीओ वाले को मानना क्यों है, क्यों मानना आरटीओ वाले ने जो काम किया। लेकिन आप कह देते हैं कि यहाँ से पीछे हटो, अगर हटा नहीं तो फिर वो उसके साथ किसको हटाया, ऐसे तो बहुत लोग हैं, नाम तो नहीं ना, है। तो मैं कैसे क्लेरिफिकेशन दूं? आपने ये कहा कि इलीगल बांधकाम वालों को आपका पूरा सपोर्ट रहता है। हाँ, जो इलीगल बांधकाम है जिसका फाइल नगर पालिके में गिरा है और वो पास नहीं हो रहा है किसी फंड की वजह से, वो आते मेरे पास, पैसा लगाया है, लोगों ने फ्लैट खरीदे है, दागीने जेवर अपने आत्मा को बेच के उधर इन्वेस्ट किया है, वो रस्ते पे रहे हुए। क्या आपका लगता है ये तो गैर कानूनी है ना, इसको बनना नहीं, तो नगर पालिका ने बांधना ही नहीं देना चाहिए, मेरा काम नहीं है, नगर पालिका ने तोड़ना चाहिए पूरा। बनवाना आपका काम है, तोड़ना उनका काम, उनका काम है, वो तोड़े नहीं तोड़े उनका काम, वो उनका काम है। तोड़ने जाए तो डरते है ना कि दीपंकर पाटिल गवर्नमेंट सर्वेंट है, दीपंकर पाटिल के पास कौन से 4 बॉडीगार्ड है? दीपंकर पाटिल है क्या? दीपंकर पाटिल इतना ही है कि तुम रस्ते पे होल्डिंग पॉइंट पे अस्पताल रिजर्वेशन पे बांधो मत, तुम्हारा रेसिडेंशियल जोन है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, तुमने फाइल डाला है, पासिंग नहीं दे रहे, इलीगल बांधने के लिए वो डरते गवर्नमेंट से नहीं, जो हफ्ते मांग रहे हैं आरटीआई जो मार रहे हैं उनसे डरते, और उनसे आप बचाते हो? उनसे बचाता हूँ, गवर्नमेंट से मेरा कोई लेना देना, आगे भी जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा यही सब रहेगा। आरटीआई में तुम 4 कागज भेज रहे हो, जो आरटीआई वाले जो हीरो बने हुए हैं उनके मुझे एक काम बताओ कि उन्होंने तोड़े, वो इलीगल बांधकाम का फॉलोअप रखा है, वो इलीगल बांधकाम को उसने गिरवाया है, हजारों आरटीआई गिरे हैं, उसमें से गिने चुने एक दो बिल्डिंग छोड़े तो कुछ भी 0.01% कार्रवाई हुई है, बाद में सेटलमेंट होते। सवाल ये, आप किसी शुरुआत से मैं लेता हूँ, बहुजन विकास आघाड़ी अगर आपकी बात नहीं मानती, आपके लोगों के लिए के काम नहीं करती, आपने विरोध किया और ठीक से किया, इससे पहले भी किया, इस बार भी आपने डंके की चोट पर बोल दिया है। मैं ये विधानसभा इलेक्शन में प्रदीप शर्मा नहीं चाहिए था, करप्टेड इंस्पेक्टर था, करप्टेड है और रहेगा, जिसके अंधेरी में लेडीज बार चालू है, उधर हफ्ते चालू है, पार्टनरशिप है, खुला बोलता हूँ, वो इंसान यहाँ का नेता कैसे बन सकता है? इसलिए वो करप्टेड आदमी को विरोध करने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी के बैनर के नीचे खड़ा हुआ, बाकी मुझे कुछ नहीं है, मैं जो गलत है उसको गलत ही बोलते रहूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन इस चुनाव में अगर देखें महानगर पालिका की अगर आप बात करेंगे तो महानगर पालिका बहुजन विकास आघाड़ी के नेतृत्व में ही चलती है लगभग, हालांकि ब्यूरोक्रेसी है वहां पर, लेकिन उनके कामकाज पर कभी बड़ा आंदोलन, बड़ी बात, बड़े तीखे सवाल नहीं उठाए आपने? मुझे क्या ज़रूरत है बड़े आंदोलन करने की, हीरो बनने की क्या ज़रूरत है? जो मेरे पास आता है वो मेरे पास कैसे भी करके आता है, किसी को लेके आता है, किसी के थ्रू आता है, या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और मुझसे आके मुझे उसका प्रॉब्लम बताता है। हर एरिया में एक दीपंकर हो जाएगा, हर एरिया में एक बॉबी हो जाएगा, अपने आप वो काम करते ही है। कितने लोग है कि जो संस्था चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनके सेटलमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हर एक का आदमी काम कर रहा है, हर एक का अलग तरीका है। मुझे एडवर्टाइज करके कौन से लोगों के वोट लेने? इस चुनाव में अगर काम जो 5 साल में बहुजन विकास आघाड़ी नहीं किया, आप उनके विरोध में उतरेंगे क्या? 6 साल से 3,500 लोगों के रास्ता रोक के रखा है बिल्डरों ने, जो उनका पहले का रास्ता था उसको वापस देना चाहिए, या बिल्डर ने जो गेट डाला है वो गेट तोड़ना चाहिए, और वो 3,500-4,000 पब्लिक जो है उनके पास एक एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सीट गई, रास्ता तो मैं बनाऊंगा। खुले तौर पे कह रहे हैं? हाँ, खुले तौर पे बोल रहा हूँ, रास्ता तो मैं करूंगा। मैंने आला सोपारा विरार के बीच में वेस्ट में जाके बोर्ड लगाया मुस्लिम कब्रस्तान का, जो मेरे पैदा होने के पहले का उनका कब्रस्तान था, मैं हिंदू होने के बावजूद उधर मुस्लिम कब्रस्तान की राखी उजा का बोर्ड लगा दिया है। नहीं, वो तो अब मालूम पड़ा कि आपने बिल्कुल दबंगई में लगा दिया उसको। तो लगा ही नहीं देते दे, दे, जाने को रास्ता नहीं था, रात को 2:30 बजे जाके बोर्ड लगा दिया, सब मुस्लिम मेरे दोस्त है, उसको उखाड़ने किसी की हिम्मत नहीं हुई। कैसे करेंगे? उनके फोटो मेरे पास है, बोर्ड है, और वो रिजर्वेशन जगह नहीं हो तो बताओ ना। तो सड़क भी ऐसे बन जाएगी? सड़क भी बन जाएगी। आप ये मान के चले महानगर पालिका के चुनाव से पहले अगर नहीं सुनी गई तो आप सड़क बना देंगे? बना दूंगा, मैं बना दूंगा, कुछ भी, कुछ भी हो। आपको लगता नहीं है कि चुनाव आता है आप गर्म हो जाते हैं, चुनाव आने के बाद ठंडे पड़ जाते हैं? देखो,
पूरे साल मैंने तुमको पढ़ाया, मैं एक प्रोफेसर हूँ, स्कूल के बच्चों को मैंने पूरे साल पढ़ाया, तो एग्जाम तो लेनी है मुझे, तो साल के बाद ही लूंगा ना, कि बीच बीच में लेते रहूंगा? सही। मैंने एक साल राह देखी, 21 अक्टूबर के इलेक्शन हुआ, अभी एक साल होने को आ रहा है, अभी तक बच्चा पास नहीं हो रहा है मेरे नजर से, तो बच्चे को क्यों एग्जाम में बिठाने दूं? आपको बार बार नजरअंदाज करते हैं, बार बार आप उनका सपोर्ट कर देते हैं? नहीं नहीं, बार बार नहीं किया, एक ही बार किया प्रदीप शर्मा के टाइम पे, फिर से नहीं करेंगे। 21 अक्टूबर से आज 21 अक्टूबर आ रहा है, एक साल में बच्चा कुछ पढ़ लिख नहीं रहा है, तो एग्जाम में उसको बिठाऊ क्यों, वापस उसको सीट दू क्यों? वो एरिए में गांधी चौक फुलपाड़ा रोड में मैं कोई और नगर सेवक खड़ा कर दूंगा, जो किसी को आदमी को बोलूंगा कि वो खड़ा रहे, मैं पूरा सपोर्ट तन मन धन से उधर जाके खड़ा हो जाऊंगा कि वो 3,500-4,000 जो पॉपुलेशन उधर है, लोकसंख्या उधर है, उनको एक एम्बुलेंस देने के लिए वो रास्ता उसने बनाना चाहिए, और उतना काम नगर सेवक कर सकता है जो 3-4 लाख रुपये का काम है। 3-4 लाख रुपया मैं किधर से मांगू, तो मुझे आराम से कोई भी बिल्डर कोई भी ये बोलेगा मैं ही बना के देता हूँ, जबकि उसको अगर हीरो बनना है। यानी आपको सिर्फ आपकी बात जो कही है उसको मानना, उसको मनवाना है, मनवाना है, बाकी और कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, एक अगला सवाल मेरा आपसे, क्या आपको लगता है कि जो आपका मेडिकल एसोसिएशन है इस कोरोना काल में, ये सवाल मुझे लगता है बहुत गंभीर भी है, इस कोरोना काल में आपके मेडिकल एसोसिएशन ने कितना ऐसा काम किया जो लोगों के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्वक रहा? ये 23 मार्च को लॉकडाउन चालू हुआ, अभी ये बात आप पूरी गौर से सुनिए। वराड नाम से एक पुलिस इंस्पेक्टर विरार पुलिस स्टेशन में था, 23 अक्टूबर के बाद 22 अक्टूबर के बाद 24 अक्टूबर से कंटिन्यू लॉकडाउन चालू हुआ, चौबीस मार्च को कंटिन्यू लॉकडाउन चालू हुआ। 27 तारीख को हम लोगों ने सब, हमारी कमेटी मेडिकल एसोसिएशन ने एक तय किया, जो आदमी किडनी पेशेंट है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, जो रेगुलर गोली ले रहा है, उसको 27 मार्च से हम लोगों ने काम किया कि उनको घर तक डिलीवरी की दी, कि तुम दुकान में मत आओ, जो सीनियर सिटीजन है उनको तुम दुकान में मत आओ, हम लोग तुमको घर तक पहुंचा देंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास सफाला पालघर से डिलीवरी मैन आते थे, ट्रेन बंद हो गई, ट्रेन बंद होने के बाद मैंने बोला कि बाबा उसके पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कंपनी से माल तो आ रहा है, डिलीवरी देने के लिए आदमी नहीं है, तो डिलीवरी देने के लिए हमारे आदमी जब जा रहे थे डिलीवरी लेने के लिए, मेरे दुकान वालों ने बोला तुम्हारा फार्मासिस्ट उधर भेजो, उसका लाइसेंस बैच दिखाओ और वहाँ से माल तुम्हारे दुकान में लेके आओ, और तुम दुकान से एक आदमी भेजो तो हर घर में जाके पहुँचा देगा तुम्हारे एरिया में, उसके साथ कोई बिस्किट का पुड़ा रहे कुछ भी रहे, लेकिन उसकी गोलियाँ उसको रेगुलर मिलनी चाहिए, उसको बाहर मत आने दो। मेरे 300, 350, 400 जितने लोग है दुकान वाले सब होम डिलीवरी देने लगे और डिस्ट्रीब्यूटर से माल ला रहे थे। तब ये वराड साहब जो पी आई कोई है या था अभी मालूम नहीं, उसने मेरे 3 फार्मासिस्ट को महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के आई कार्ड थे, मोटरसाइकिल पे दवाइयाँ थी, उन तीनों की मोटरसाइकिलें जब्त कर ली, उन 3 फार्मासिस्ट को मारा। तब मैंने 5 अप्रैल को जब लोग दिए भी ये लेके बाहर निकलने वाले थे, तब मैंने 5 अप्रैल से बोला मेडिकल बंद कर दो, क्योंकि माल आ नहीं रहा है, ला जो हम लोग मेहनत कर रहे ला रहे या घर को देने को जा रहे उसको पुलिस मार रही है, फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट का आई कार्ड दिखाते हुए भी हमने वराड साहब को बोला, 2 आदमी गए थे, होलसेलर का एक गया था, रिटेलर का एक गया था, वराड साहब ने उनको आधा पौना घंटा बिठाया फिर भगा दिया, बोलते हम लोग का एक ही था कि हमको एक आई कार्ड दो दो कि पुलिस अड़ेगी तो हम फार्मासिस्ट है, हम डिलीवरी देने या लेने जा रहे हैं, तब उन्होंने नहीं दिया। तो 5 अप्रैल को मैंने मेडिकल के सब जो बैनर लगा दिया कि मेडिकल बंद, क्योंकि माल ही नहीं बेचेंगे क्या, माल ही नहीं है तो बेचेंगे क्या, इससे लोगों को समस्याएं काफ़ी झेलनी पड़ेगी, हम लोगों को झेलनी पड़ती है। और 27 मार्च से मैंने चालू किया, जब 1 अप्रैल को आपकी बात मानी गई थी, हाँ मानी गई, 5 अप्रैल को जब बंद मैंने पुकारा कि अभी बंद है, माल ही नहीं तो बेचना ही, दुकान ही बंद कर दो, तब मेरे को DYSP ये सब लोगों के ये आए, फोन आए, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर नासिक पुणे और थाना यहाँ से लोग आए,
कि तुम ये बंद क्यों कर रहे हो, जबकि पूरा भारत बंद था तब भी विरार चालू था मेडिकल, हमने कभी बंद में सपोर्ट नहीं किया। तो बोले ये प्रॉब्लम है, ये किससे बात करे। पुलिस स्टेशन वाले हमारे दो आदमी को समझाने को गए, पुलिस वाले ने वराड़ साहब ने भगा दिया उनको। महानगर पालिका ने भी कई जगह छापेमारी का काम किया था, उनके रसीद मार्क्स और आदि को देखते हुए उसके 1000 रुपया। वाइन शॉप चालू हुए तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, तुमने मास्क नहीं पहना था, तुमने सैनिटाइजर नहीं रखा था, उसकी एक भी रिसीट नहीं, एक भी वाइन शॉप की। और मेडिकल स्टोर की है, मेडिकल स्टोर वाले पढ़े लिखे डरपोक लोग है, यहाँ तो दो पैक मारने के बाद हर भाई बन जाता है, तो उनसे कौन नड़ेगा। महानगर पालिका के मैं तुमको 4-5 पावती बता दूंगा विरार की मेरी, जिसने मास्क पहना नहीं पहना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। आज हेलमेट नहीं देख रहे, मास्क पहना तो उसका सर सुरक्षित हो गया, हेलमेट देख रहे आज। मोटरसाइकिल पे हेलमेट घाले तो मास्क की क्या जरूरत है। अनपढ़ पुलिस, अनपढ़ प्रशासन, अनपढ़ प्रशासक, ये अनपढ़ लोग जब तक आएंगे सत्ते पे, जब तक ये गवर्नमेंट जॉब लेते रहेंगे, तब तक ये अनपढ़ गिरी करते रहेंगे। मोटरसाइकिल वाले को कंपलसरी हेलमेट पहनना है, ना कि मास्क। ये बेवकूफी जैसे मास्क पहना और हेलमेट भी ना पहन के घूम रहा है। अभी कल तो मेरे को सब मोटरसाइकिल वाले घेर लेंगे कि तूने हेलमेट का इश्यू क्यों किया, अभी हमको पहनना पड़ता है। ये कौन सा है, मैं और मेरी बीवी पलंग पे एक जगह पे सोते हैं, एक रूम में रहते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता है। मोटरसाइकिल पे मैं बीवी को लेके जाऊँ तो कोरोना फैलेगा। एक घर में रहते ना हम, अगर 4-व्हीलर निकालूँ तो मेरे दो बच्चे और मेरी बीवी, हम साथ में परिवार एक साथ रह रहे, तो 4 बैठेंगे तो उसमें कोरोना फैलेगा। क्या आपको लगता है कई सारे नियम का जो बने हैं प्रशासन के द्वारा वो गड़बड़? अरे कॉपी करके पास हुए ये, मैं कोई किसी और उदाहरण दे नहीं सकता, ये अनपढ़ लोग है। आप सीधा प्रशासन को अनपढ़ कह रहे हैं? अनपढ़ ही है। मास्क पहनो 24 घंटा, 25वें घंटे पे तुम्हारा ऑक्सीमीटर में उंगली डालो, तुम्हारा ऑक्सीजन कम है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा कैसे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जॉगिंग कर रहा है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तुमको एक घर में बंद किया है, घर में वायरस फैल रहा है। कोरोना है? बिल्कुल नहीं है। जब मुझे एक डॉक्टर ने बताया, जब कबूतर मरेंगे मुर्गी मरेगी तब समझ जाना कि यहाँ पे महामारी फैल रही है। ये भगवान ने, कुदरत ने दिया इंडिकेशन है, जब कबूतर और मुर्गियां मरना चालू हो जाएगी। ये सेंसिटिव प्राणी है, बहुत नाजुक है, एटमॉस्फेयर में जब भी कुछ महामारी या कुछ भी बुखार आ जावे तो ये पहले मरते। सड़क पर पड़ा हुआ कोई भिखारी मरा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने वाले मरे नहीं है, कोई सेलिब्रिटी मरा नहीं है, कोई नेता मरा नहीं है। मरा कौन है, जो उसका मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास 14 दिन उधर गए, भगवान से पूछे 5 बार, 3 बार हाँ हो गया तो हाँ, 5 टेस्ट लेने का है, इसलिए 14 दिन बढ़ाते जाओ, संस्था का अस्पताल और गवर्नमेंट अस्पताल, यहाँ पे ही लोग मरते, प्राइवेट अस्पताल में नहीं मरते। आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं या ये कह रहे हैं कोरोना नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है? डरा ही जा रहा है, कोरोना है। WHO ने इतनी बड़ी जो रिसर्च किया वो लगातार बातें बोल रहे हैं, आप उनको दरकिनार। WHO के लायक मैं नहीं हूँ, मुझे जो लगता है वो मैं बोलता हूँ। WHO बड़ी संस्था है, बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, वो बड़े रिसर्च कर रहे हैं, सब मुझे, मेरे दिमाग से बाहर है, मैं लोकल में बोलता हूँ। मेरे घर में खाने के, आपकी बात लोग सुनते हैं समझते हैं उसको फॉलो। मेरे घर में खाने, मेरे घर में खाने के वांदे है तो ना कि मैं घर वालों को छोड़ के राफेल मंगाऊं। ट्रेन चलनी चाहिए आपके हिसाब से? ट्रेन नहीं चलेगी 2022 तक। चलनी चाहिए लेकिन लोगों में सोशल डिस्टेंस का अंतर रहना चाहिए, समझदार होने चाहिए, लटक के जाएंगे, भीड़ करे जाएंगे तो फैलेगा ही। अब रोजगार नहीं है वैसे विरार में तो जाएंगे ही मुंबई में। ओ जाएंगे ही, और एक बार कोरोना हो गया तुम्हारे वो कोरोना पे आपने मात दे दी तो वापस आपको कोरोना होगा नहीं। ट्रेन चालू हो जानी चाहिए, होनी चाहिए आपके हिसाब से? अभी इतना 4-6 महीने से आप बोल रहे हो सैनिटाइज करो, घर में जाके नहाओ, काढ़ा पियो, काढ़ा क्या पीना है, पाइल्स हो गया तो गरम मसाले के साथ तुम काढ़े बना रहे हो, अगर मूलव्याध हो गया, पाइल्स हो गया तो उसका इलाज है क्या? अरे जो बीमार है उसको काढ़ा दो। मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ इसलिए मेरे पास हर कोई आता है, मैंने गुलाब का सैनिटाइजर बनाया, मोगरे का बनाया, फ्लेवर में आ गए, फ्लेवर के कलर के मास्क आ गए, पीपीई किट में जिसमें मेरे जूते बांध के आते थे वो पीपीई किट हो गया वो कपड़ा।
आप मानते हैं मेडिकल क्षेत्र बहुत लूट रहा है इसमें? लूट ही रहा है। आप सपोर्ट करते हैं उसका? काहे के लिए, फिर मैं क्यों बोलूं ये सब? मैं अध्यक्ष हूँ इसलिए मेरे पास सब आए, काढ़े बेचने वाले भी है, पाउडर बनाया चम्मच भर उसमें कप में डालो। मैंने किसका प्रचार नहीं किया कि ये काढ़ा पियो। स्टैंड बनाया, सैनिटाइजर बने, अलग अलग फ्लेवर में सैनिटाइजर बने। अरे स्पिरिट का रोक लगाए, जहाँ से गलत मार्केटिंग हो रही है, गलत मार्केटिंग आ रही है, आप अरनाला से लेकर चांदीप तक जाओ, वो चीज़ें नाला सपारा वसई मुंबई सब जगह पे के मिलेगी, लेकिन हमारे इधर नहीं मिलेगी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि लोग इस तरह के सामान बिल्कुल ना खरीदें? जैसे क्या? जब आप भीड़ में हो, सैनिटाइजर खरीदना जरूरी है, हर आदमी हर घर के लिए सैनिटाइजर। कोई भी डिटर्जेंट से साबुन से हाथ पाँव धो दो, कोई भी डिटर्जेंट साबुन, मैं फलाना का नाम नहीं लूँगा, कोई भी साबुन जिसमें डिटर्जेंट रहे, साफ हो, हाथ धो। सैनिटाइजर केमिकल है, तुम रास्ते रास्ते पे जाके सैनिटाइज करोगे, हाथ जलते जा रहे हैं तुम्हारे, और सैनिटाइज आप उसी हाथ से अगर खाना खाओगे तो केमिकल आपके अंदर जाएगा। मास्क पहनो जिधर भीड़ है, कभी तो सुबह की हवा ले लो, किधर तो गार्डन में रास्ते पे किधर खुले में जाके बैठो, सुबह का ऑक्सीजन मिलता है ज़्यादा। जॉगिंग करते वक्त आप अकेले दौड़ रहे हो, भीड़ नहीं, मैराथन नहीं लगी हुई है, आप जॉगिंग कर रहे हो तो मास्क मत पहनो। आपको कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त मास्क नहीं पहनना है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये तो कोई नेता आता है, मैं तो कहता हूँ घर में भी मास्क पहनो, ये कौन सी बात हो गई? घर में मास्क पहनो ऑक्सीजन कब लो? कौन सा भिखारी मरा है कोरोना से? ये डर के मारे पढ़े लिखे जो लोग है ये ज़्यादा डरते हैं। इनको सर्दी खांसी और ताप, ये पहले से, मेरे दादा के ज़माने से आए थे, डॉक्टर के पास गए तो क्या बोलने का, क्या हुआ? सर्दी खांसी ताप, तीनों भाई बहन है एक साथ ही आते। माने कि कोरोना का जो माहौल है वो बिल्कुल नहीं है, हर आदमी उसमें जी सकता है अगर वो डरे नहीं। बीमारी दो ही है, एक दिमाग की बीमारी अगर घुस गई तो छोड़ती नहीं, और एक पेट की बीमारी। दिमाग में आपके घुस गया कि ये कोरोना, मुझे सर्दी हो गई खांसी हो गई, टेस्टिंग करने को दे दिया, तो अंदर से आपकी आत्मा बोल देती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बोलो, हाँ, हिप्नोटाइज कर रहे हैं ये मीडिया वाले, हिप्नोटाइज कर रहे हैं, इतने मरे उतने मरे उतने मरे उतने मरे, ये सब चालू है। मीडिया को जानकारी दी जाएगी, मीडिया तो बताएगी ना, तो मीडिया परसेंटेज बतावे, इंडिया की संख्या ना बतावे। 500, 1000, 2000 तो लोग मेरे सोसाइटी में रहते, तो विरार वेस्ट में 500 मरे, अरे 500 मरे तो मेरे आजूबाजू कितनी लोग, जनसंख्या कितनी है, उसके परसेंटेज से सबसे हिसाब दो कि 2% मरे, 0.01% मरे या 0.1% मरे, 0.1% मरे या 1% मरे, भारत में अगर देखा जाए तो 500 मर गए, 700 मर गए, आज तक की संख्या 2,00,000 हो गई, और पूरे देश में 135 करोड़ लोगों में से कितने मरे? 2,00,000। हर एक आदमी जो पढ़ न्यूज देख रहा है 2,00,000 मरे, अरे 135 है अपने तक पहुंचते पहुंचते उसको नए जन्म होने वाले लोगों के। मैं आखिरी में रैपिड सवाल कर रहा हूं फटाफट, इस बार आप महानगर पालिका के चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? गांधी चौक का रास्ता बनाएगा उसको, बहुजन विकास गाड़ी अगर बना दी तो मैं इलेक्शन में उतरूंगा ही नहीं। हितेन ठाकुर आपको पसंद है काम करने के? बिल्कुल पसंद है। आपको लगता है कि बहुजन विकास अगाड़ी ने महानगर पालिका में 5 साल में ठीक से काम किया? बहुजन विकास अगाड़ी महानगर पालिका का क्या काम की है मुझे पता नहीं है। आपसे मतलब नहीं, जनता के विकास से? जनता से विकास से मुझे कोई मतलब नहीं, गांधी चौक एक विकास ही जनता है। गांधी चौक में उसको अड़ाया गया है, 3500 लोगों के विकास की बात है तो है ना? हाँ, 3500 लोगों के लिए जो मयत मरा हुआ इंसान लेके जाने के लिए शववाहिना या एम्बुलेंस डिलीवरी करने के लिए औरतों को उसकी सुविधा होनी चाहिए। वहाँ पर अगर सड़क नहीं बनी तो अपना आप कोई और उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं उधर, और उम्मीदवार अगर ये सब नहीं हुआ किसी पार्टी का सपोर्ट कर सकते हैं? ये सब नहीं हुआ तो किसी भी पार्टी का करूँगा। ये थे दीपंकर पाटिल उर्फ बॉबी सेठ, इन्होंने बेबाकी से आज सारे उस सवालों का उत्तर दिया जो महानगर पालिका के चुनाव के दौरान, और ख़ासकर ये कोरोना का जो माहौल चल रहा है उसमें कई सारे भ्रामक चीज़ें लोगों के बीच में आती हैं, हालांकि उन सही बातों का एक अगर देखा जाए परीक्षण के आधार पर तो कोरोना बताया जा रहा है लेकिन दीपंकर पाटिल की तरफ से कहना है कि कोरोना है
लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को इस तरह से पहनना, तमाम प्रशासकीय नियमों का जिस तरह से लागू करना है वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। उन्होंने मास्क और तमाम तरह के प्रशासन नियमों के अंतर्गत आकर जो चालान काटना है, तमाम तरह के अलग अलग नियमों को लादना है लोगों पर, उस पर भी सवाल उठाए। अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका के चुनाव में दीपंकर पाटिल की वो सड़क जिसकी ये मांग कर रहे हैं वो बनती है या नहीं, बहुजन विकास अघाड़ी का ये फिर से सपोर्ट करते हैं या नहीं, या फिर से दीपंकर पाटिल बगावती सुर अपनाकर उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे जिस पार्टी का इन्होंने पहले भी सपोर्ट करते रहे तमाम अलग अलग पार्टी। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय क्या होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।